सुप्रभात बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने आपका कार्य पूर्ण कर लिया होगा। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी बुक का पेज नंबर 118 भाषा से। नंबर एक है हमारा सहचर। सहचर में साथ साथ लिखे जाने वाले शब्द, जिसे अधिकतर कहा जाता है जंगल और शहर, भजन और कीर्तन, इस तरह रात दिन सुबह शाम आदि। इन शब्दों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जंगल शहर भजन कीर्तन। शब्दों के इन जोड़ों को सहचर शब्द कहा जाता है। इन शब्दों से उचित जोड़े बनाकर लिखे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उधर बाहर, शांति, विश्राम, सत्कार और फूलने। हमें इन शब्दों को इनके सामने लिखकर और सहचर शब्द बनाने हैं। जैसे आदर, आदर और आदर के और किस कौन सा शब्द जुड़ता है, सत्कार। तो हम लिखेंगे आदर और सत्कार। अगला है भोजन और विश्राम। फलने और कौन सा शब्द आएगा इसके साथ में, फलने और फूलने। तो हम यहां लिखेंगे फूलने। अभी कौन से कैसे शब्द बने हमारे, आदर और सत्कार, भोजन और विश्राम, फलने और फूलने। इसी तरह घर और बाहर, इधर और उधर। और सुख के साथ में क्या आएगा हमारा, सुख और शांति। तो हम यहां लिखेंगे शांति। ये वो शब्द हैं जो साथ साथ में कहे जाते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला है हमारा पढ़े समझे और लिखें। यहां पर एक वाक्य दिया हुआ है, उन्हें न तो भोजन मिला न ही पानी। इसमें हमने काय का प्रयोग किया है, न तो और न ही को मिलाकर ये वाक्य को पूर्ण किया है। अब हम यहां लिखेंगे भिखारी को न तो भीख मिली न ही आश्रय। मतलब जो भिखारी था उसको भीख भी नहीं मिली और रहने का स्थान भी नहीं मिला। इसी तरह साधु ने न तो आशीर्वाद दिया न ही श्राप। जो साधु थे उन्होंने न आशीर्वाद दिया और न ही श्राप दिया। मैच जीतने पर उसे न तो पुरस्कार मिला न ही शाबाशी। घ व्रत के दिन मैंने न तो अन्न लिया न ही जल। मतलब जो हमारा व्रत था उस दिन मैंने ना तो खाना खाया ना ही जल पिया। नंबर तीन, इन संयुक्त अक्षरों से चार चार नए शब्द बनाए। यहाँ पर हमारे कौन सा संयुक्त अक्षर बना है, श्र त्र ज्ञ और श। हमें यहाँ पर इन अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को लिखना है। जैसे पहले है हमारा श्र, तो श्र से कौन सा शब्द बनेगा हमारा, सबसे पहले हम बनाए तो श्र से श्रम, श्र से श्रेय और श्र से श्रेष्ठ और श्र से श्रमिक। इसी तरह
त्र, त्र से होता है हमारा त्रिशूल। त्र से अगला शब्द बनेगा त्रेता, त्रेता युग, कहते ना हम त्रेता युग, तो त्र से त्रेता, त्र से त्रिशंकु, त्र से त्रय। अगला है ज्ञ, तो ज्ञ से क्या होता है हमारा, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी भी होता है। ज्ञ से ज्ञात, ज्ञात मतलब पता होना, और ज्ञ वाला और शब्द अगर हम लिखें तो आज्ञा, इसमें भी कौन सा शब्द है, ज्ञ, आज्ञा। अब हम लिखेंगे क्षत्रिय, श, श से क्षेत्र, क्षत्रिय, कक्षा, श्राद्ध। अब अगला है हमारा पेज नंबर 119। नंबर 4, इन शब्दों को वर्णमाला के सही वर्ग से मिलाएं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ठग, टीका, चल्ला, बुराई, देवता, कोमल, भगवान, गांव, धनी, जगह। यहाँ पर वर्ग दिए हुए हैं, जो हमारी वर्णमाला के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। जैसे क वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ण, च में च, छ, ज, झ, ण, ऐसे इसी तरह यहाँ पर इन शब्दों को हमें देखना है कि वो शब्द कौन से वर्ण में आएगा। जैसे क वर्ग में हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे, कोमल और गांव। च वर्ग में चलना, जगह। ट वर्ग में टीका और ठग, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये अक्षर हमारे कहाँ से शुरू हो रहे, ट और ठ, तो इसीलिए हमने इसको ट वर्ग में लिखा है। इसी तरह त वर्ग, त वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं, त, थ, द, ध, न, तो ये द और ध, ये हमने लिखे त वर्ग में। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, तो ये ब और भ वाले शब्द प वर्ग में। अगला है हमारा देखे और लिखे। इसे यहाँ पर है आदर, तो आदर का क्या हुआ, आदर, अनादर, गांव, शहर, जीवन, मृत्यु। अब ये आगे के शब्द आप स्वयं होमवर्क में करें। ये सारा कार्य आपको आपकी बुक में ही करना है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। यहाँ आपका पाठ 16, दूर की सोच पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम आपका अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।